और सीबीएसई की साइट पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अपलोड हुआ और उसके बाद छात्र छात्राओं के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिली। हर तरफ खुशी का माहौल रहा और परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान आने के बाद परिणाम आने के बाद एक मुस्कान जो है वो साफ तौर पर दिखी है। बहुत हेल्पिंग है एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि सबका रिजल्ट इतना अच्छा आया। फैमिली का सपोर्ट क्या रहा इस बीच में? फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है, किसी ने कुछ प्रेशराइज नहीं किया, हमें खुद पता था कि पढ़ना है तो आप जितने वर्क करोगे उतना ही मिलेगा। सबका अच्छा रिजल्ट आया है, फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। लड़कों को टक्कर देके कैसा लग रहा है आज वापस से लड़के जीती है? इट्स लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा एक गर्ल्स स्कूल है एंड उसमें हम लोगों ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने 90% अबव स्कोर किया है, सो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या कहना चाहेंगे जो अब भी बच्चे आने वाले हैं 12th में उनके लिए? मतलब अपना दिल लगा के पूरा पढ़ो, इतना स्ट्रेस मतलब हमने बहुत लिया था तब भी, मतलब सीरियसली हमें काफी लीन चेकिंग करी है तभी हमारे 90% अबव आ गए सबके। मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है, इट वॉज गुड एंड इट विल बी गुड फॉर देम ऑल्सो। क्या कहना चाहोगे आज की खुशी जाहिर कर? आज की खुशी जब रिजल्ट आया था बहुत डर गया था सारी एक्चुअली, बट हाथ शेक कर रहे थे, बिल्कुल शिवर हो रही थी, बट जब आया तो हैप्पीनेस हुई क्योंकि हमने जितनी मेहनत करी थी उससे ज्यादा आया, हमें जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत आया। तो गॉड भी हेल्प करता है, हम अपनी खुद की हेल्प करेंगे तो सिंपल है कि अपना बेस्ट दो, गॉड है आपके लिए आपके साथ। अच्छा लग रहा है से मिल के रिजल्ट के बाद कैसा फील हुआ? उनको भी बहुत खुशी हुई तो अच्छा लगा। टीचर्स से मिलने के बाद रिजल्ट आया बहुत अच्छा लगा। टीचर्स का तो पूरा ओवरऑल सपोर्ट रहा है हमेशा से एंड उन्होंने हमेशा हेल्प करी है, तो जब टीचर्स से भी हम मिले तो वो भी बहुत खुश थी हमारे रिजल्ट से। सबके ऑलमोस्ट 90 से ऊपर आए। जो बच्चे आएंगे उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ये बताओ। जो भी अभी 12th में आ रहे हैं बोलेंगे आपका लास्ट ईयर है, एंजॉय इट एज मच एज पॉसिबल बट ऑल्सो फोकस ऑन योर स्टडीज। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रोज कर रहे हो तो वो भी इनफ है, बट एंड मोमेंट पे इतना बर्डन मत लेना, धीरे धीरे करते रहो और इजी है, अच्छे से हो जाएगा, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, फन वे में लेके चलो, अच्छे से होगा। एनसीईआरटी घर जाके रिवाइज कर लो, आपको बहुत अच्छा बेस बना रहेगा। और कुछ भी जो आपके टीचर्स हैं आपके पास पूछो उनसे, स्ट्रेस मत लो क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, बल्कि तबियत ही खराब होती है, तो जस्ट बी पॉजिटिव। 12th के बच्चे हैं जिन्होंने आज लड़कों को एक बार टक्कर दी एक बार फिर से, और उनकी खुशी अलग से ही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं सबके फेस पे जो मुस्कान है रिजल्ट आने के बाद वो अलग ही बन रही है। मैं प्रिया तिवारी कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ दिल्ली।